स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस क्लासेस के चैनल में। तो हम एक और इंग्लिश का ग्रामर का सेक्शन लेके आए आप लोगों के लिए, जो बेसिक है और आपको ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको इंग्लिश अच्छे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस सेक्शन को सीखते हैं। तो हम सीखेंगे आज वो सेक्शन कि आप हमेशा हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करते हैं, पर उसे कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये बहुत कम लोग बताते हैं। आपको बताते हैं यहाँ यहाँ, बट एक्चुअली बेसिक और प्रैक्टिकल यूज जो है कोई नहीं बताता, तो हम आपको वो सिखाएंगे। दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे हैव के बारे में। तो पहला चीज़ इसके बारे में जान लीजिए कि ये हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है, आप इसको पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा आएगा कि ये किसके किसके साथ यूज़ होता है। यूज़ होता है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, बॉयज के साथ। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हैव है आई और यू को छोड़ के बाकी जितने हैं सब सारे प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ यूज होता है। ठीक है, वो मतलब लड़के खाना खा रहे हैं, लड़कियां खेल रही है, लड़के घूमने गए हैं, लड़कियां पढ़ाई कर रही है, इस तरह करके जितने प्लूरल फॉर्म है उस पर यूज होते हैं। अब आएंगे हम हैज़ के ऊपर। तो हैज़ भी सिर्फ प्रेजेंट में यूज होता है, पर इसका जो यूज होता है वो सिंगुलर लोगों के लिए होता है, जैसे ही, शी, इट, अ, डॉग, अमर, जो भी सिंगल है उसके लिए यूज होता है। अब आएंगे दोस्तों हम हैड के ऊपर। तो हैड क्या है, हैड का जो यूज है बड़ा सिंपल है। हैड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर पास्ट में है आपको बस हैड यूज करना है, आपको इतना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे वीडियोस डेली के डेली पहुंचेंगे, जिसके साथ आप जिसको यूज़ कर करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं, वो सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और हमने बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस भी डाले हैं, रीजनिंग के वीडियोस डाले हैं, पजल्स क्वेश्चन डाले हैं, क्विज डाले हैं, जनरल नॉलेज डाले, बहुत कुछ है इस चैनल में। आप सब्सक्राइब करिए और आप सारे फ़ायदे उठा पाएंगे। आपको यहाँ पे अराउंड 350 वीडियो अभी हो चुका है और हम डेली 10-10 वीडियोज़ डाल रहे हैं अलग अलग उठा के, कि आपको जितना हो सकते बेनिफिट मिले दोस्तों। तो आप हमारा हेल्प करिए चैनल को बढ़ाने में, हम और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे इस चैनल को और अच्छा बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा।